Even I was not ready. I said, I'm elder to you. बगैर सोच समझे सोचे समझे शादी नहीं होनी चाहिए. अंदर से बच्चे जैसी है, she's like a kid. छोटे-छोटे बात में रुस जाती है, झगड़ा कर लेती है. Thank you. Yeah, of course, is my life. Adil is my life, my love. I don't know what he will say. नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मैंने इतना प्यार कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. दे अप्रिशिएट, वो इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छी जोड़ी है, इट डजेंट मैटर, बहुत पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं. आई एम रियली हैप्पी, आई अप्रिशिएट इट. एज डजेंट मैटर डेफिनेटली, बिकॉज आई एम जस्ट 6 or 7 ईयर्स एल्डर टू हिम एंड ही ओनली टोल्ड मी. मैंने उसको डे 1 पे ही बोला था. ऑफ कोर्स आई वाज द वन हु कन्विंस्ड हर फॉर दिस. या इवन आई वाज नॉट रेडी. आई सेड आई एम एल्डर टू यू. But he said, see, there's so many artists, you know, they're elder, 14 years, 15 years, 10 years. So then I said, okay. नहीं, I feel very sad कि अगर आपको आपके थोड़े कम एज के लड़के से प्यार हो जाता है तो यहाँ पे कहते ओ आप इतने बड़ी हैं, वो छोटा है, तो उनका क्या करोगे जो बूढ़े इंसान 16-17 साल की 20 साल की लड़की से शादी कर लेते हैं. फिर उनको तो उन लोगों को तो फांसी दे देनी चाहिए. बट आजकल ट्रेंड इज़ अ डिफरेंट एंड आई फील के आई एम हैप्पी. हमारे बीच में एज की कोई क्या कमी है मुझ में. थैंक्स टू आदिल के आदिल ने मुझे पहले BMW कार प्रपोज करके गिफ्ट करी एंड अभी दुबई में एक फ्लैट अपार्टमेंट ऑन 30th फ्लोर वहाँ पे उन्होंने मुझे गिफ्ट किया. आई रियली थैंक्स टू हिम कि अगर प्यार ऐसा होता है इतने सारा गिफ्ट देकर. ओ माय गॉड, सो आई फील आई एम लक्की. ही शुड टॉक. एक्चुअली हम दोनों पे परफेक्ट गाना जाता है. या एक्चुअली जैसा मैं पहले भी बोला, रात भर चार पाँच घंटे बात करते थे. उसके बाद आई इन्वाइटेड हर टू कम टू मैसूर बिकॉज हम गाड़ी उसको गिफ्ट करना चाहते थे. उसके बाद ये लोग आए मैसूर, देन वी स्टार्टेड गेटिंग टू नो ईच अदर, देन आई वॉज द वन हू प्रपोज्ड हर. तो शी वॉज लाइक एज डिफरेंस वो ये, देन आई टोल्ड ऑल दैट एज इज़ लाइक फैशन, ये तो अभी फैशन के जैसा है, 12 साल 10 साल 6 साल 8 साल, दैट इज़ हाउ आई कन्विंस्ड हर. बगैर सोचे समझे शादी नहीं होनी चाहिए. तो अभी हम एक दूसरे से डेट कर रहे हैं और आगे देखते हैं क्या होता है. बट आई क्रॉस माई फिंगर के सब कुछ अच्छा हो हमारी ज़िंदगी में. आई नो आई जस्ट वॉन्ट टू से वॉट एवर आर आदिल डिसाइड, जस्ट लव अ बॉय और आगे का देखेंगे क्या है. बट अभी तो फिलहाल वी आर बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड. बिग बॉस, या डेफिनेटली मेरा और आदिल का अगर ऑफर आए तो अभी तक ऐसा कोई ऑफर है नहीं. अगर आए तो डेफिनेटली नहीं. हाँ, आदिल को बहुत सारे फिल्म्स के ऑफर आ रहे हैं डेफिनेटली, और म्यूजिक वीडियो के भी आ रहे हैं. इट्स लाइक अ म्यूजिक वीडियो आदिल एंड बिकॉज ही इज लाइक अ क्यूटी एंड राखी इज लाइक अ बॉम्बशेल. ही इज क्यूटी एंड आई एम ब्यूटी. क्यूटी ब्यूटी, किसने दिया ये नेम्स? ये इन्होंने मुझे दिया. ही इज क्यूटी एंड आई एम ब्यूटी. नो कमेंट सर. जाते जाते डेस्टिनी ने मुझे एक और चांस दिया है एंड आई एम सो हैप्पी. आई वॉज नॉट रेडी, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. मेरा लास्ट ब्रेकअप के बाद आई वॉज ब्रोकन, टोटली ब्रोकन. मुझे नहीं जाना था रिलेशनशिप में, बट आदिल ने मुझे दिलासा दिया एंड ही प्रपोज्ड मी एंड आई कन्विंस. Yeah, I don't know. I think बहुत मुश्किल था कन्विंस करना. इतना इजी कन्विंस होती नहीं है, ये दिखती है इसे बहुत मुश्किल. वो क्वेश्चन, ये वो, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बहुत मुश्किल से कन्विंस किया मैं इसको. अभी भी कन्विंस ही कर रहा हूँ मैं इसको. ऑफकोर्स अंदर से बच्चे जैसी है, शी इज लाइक अ किड. छोटे छोटे बात में रुस जाती है, झगड़ा कर लेती है, रो देती है, शी इज लाइक दैट.
मैं इसको मनाना पड़ता है, अभी भी झगड़ा की दी है मेरे से 10-15 मिनट के लिए, बिकॉज ऑफ कॉस्ट्यूम के लिए हमारे झगड़े हुए थे, ही डजंट लाइक टू वेयर रिवीलिंग कॉस्ट्यूम ये वो, एंड एंड टाइम पे मेरा कॉस्ट्यूम का प्रॉब्लम हो गया और मुझे प्रियंका के लिए यहाँ पे आना भी था, सो एंड फिर एंड टाइम पे मुझे ये हॉट कॉस्ट्यूम पहनना पड़ा जो आदिल को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, एंड आई थॉट कि मैं मार्केट में ऐसे कहाँ जाऊँ जो मुझे पूरे कपड़े मिले।